ऐलान किया है। शराय सूद में 1% कमी कर दी गई, शराय सूद 19.5 कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिरे मौशियात आबिद कयूम सुलहरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, किस तरह से देख रहे हैं शराय सूद में 1% कमी की गई है, कारोबारी तबका कैसे देखेगा इस कमी को? ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड कमी थी, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आ रहे हैं, जिस तरीके से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है, और अगर आप आज ये फिच की रेटिंग भी देखें तो फिच ने भी अपनी जो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस है CCC+ रेटिंग जो है पाकिस्तान की की है। तो अगर इन चीज़ों को देखें तो ये एक ना सिर्फ एक्सपेक्टेड था बल्कि खुशाइन बात है कि थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि अब हम उससे जा रहे हैं। ठीक, आबिद साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि मईशत पर आप इस कमी को किस तरह से असरअंदाज होते हुए देख रहे हैं? जाहिर है कि जब आपकी एक मॉनिटरी ईजिंग होती है तो उसकी वजह से एक तो आपका जो डेट पेमेंट है उस पर इसका पॉजिटिव असर पड़ता है, दूसरा आर्थिक पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है वो आता है, और ये जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इस पर चाहिए मार्केट को, मेरा ख्याल है कि आज के डिसीजन से काफी हद तक उसमें बेहतरी होगी। ठीक है, माहिरे मौशियात आबिद कयूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त देने का शुक्रिया। आपको बता रहे हैं स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया है। शराय सूद में 1% कमी कर दी गई, शराय सूद 19.5% हो गई है।